बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह असी चार मशकां जिहड़ियां ने ओह कर चुके हैं। अज असी मशक शुरू करांगे स्वाद अलफसा दी, ताकि ये जारी हो सारी रहे सिलसिला। एक असी नमैश कराई दी आ, बस सिलसिला ईद मिलादुन नबी जिहड़ी कि 15वीं नमैश अल्हम्दुलिल्लाह हो रही आ। नवंबर 3 नवंबर नूं उहदा इफ्तिताह होएगा, 6 नवंबर नूं उहदी तकसीम असनाद का प्रोग्राम होएगा। तो पूरे पाकिस्तान जो आर्टिस्ट जिहड़े आ ना जी, वो अपना कैलीग्राफी बना के भेजते हैं और हर साल नवी हुंदी आ। ते उहदे विच इह आ कि तुसीं वी आओ, आण के नमैश देखो, आर्टिस्टां दी हौसला अफजाई करो और इंशाअल्लाह रूह नूं सुकून मिलेगी। ते अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुंदा वा। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ साडा सबक है जी, सबक नंबर 46, मशक है साडी। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਮ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੌਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੁਲਾਈ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਮ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਨਿਸਬਤ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਐਮ ਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਹੈ ਸਵਾਦ ਫੇਜ਼। ਇਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਇਜ਼ ਹੈ। ऐसा कोने में बनेगा, इसमें शुरू करांगे। यह भी कोना इस्तेमाल होएगा, ये दरम्यान चो ये जोइन पकड़ांगे तो ये शक्ल जी बे की शक्ल ही है। इनू इतों थोड़ा जहाँ टच करांगे ताकि सेंटर भी बन जाए और ये अंदर कलम का एक पॉइंट लगना चाहिए, दायरा बनना चाहिए। यह नुकता इतने बनावांगे।